लाल सागर में यमन का हूती लगातार पश्चिमी देशों के मालवाहक जहाजों और युद्धपोतों को निशाना बना रहा है। हाल ही में हूती ने लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत आइजनहावर और ब्रिटेन के एचएमएस डायमंड डिस्ट्रॉयर पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। खुद अमेरिका की मिडिल ईस्ट में सैन्य कमांड सेंटकॉम ने भी इन हमलों की पुष्टि की थी और अभी भी हूती के हमले रुके नहीं हैं। लेकिन इस पूरे तनाव के बीच अब हूती ने एक बहुत बड़ा दावा किया है जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल हूती का कहना है कि उसने यमन के भीतर अमेरिका और इसराइल के एक जासूसी गिरोह का भांडाफोड़ किया है। हूती ने यह ऐलान संयुक्त राष्ट्र के दर्जन भर से ज्यादा कर्मचारियों को गिरफ्तार करने के बाद किया है। हूती ने इन सभी लोगों पर इसराइल और अमेरिका के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर हूती के इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल हकीम अल खवानी का कहना है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में यमन के भीतर अमेरिका दूतावास का पूर्व स्टाफ भी है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि अमेरिकी इजरायली जासूसी सेल ने दुश्मन के लिए दशकों तक आधिकारिक और अनाधिकारिक संस्थानों में जासूसी और विध्वंसकारी गतिविधियों को अंजाम दिया है। تم إلقاء القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية قامت بأدوار تجسسية وتخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود لصالح العدو وذلك من خلال عناصرها المرتبطين بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA التي جندت العناصر الرئيسيين في الشبكة التجسسية وعملت على تدريبهم استخباراتيا وتزويدهم بتقنيات وأجهزة ومعدات خاصة تمكنهم من تنفيذ أنشطتهم التجسسية والتخريبية في الجمهورية اليمنية وتسهل من نقلهم للمعلومات إلى ضباط أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية بشكل سري. वहीं दूसरी तरफ हूती के इस बयान को लेकर इसराइल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। संयुक्त राष्ट्र ने भी हूती के इन आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी स्टेट विभाग ने भी इस मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन जुजारिक का कहना है कि वो हिरासत में लिए गए 11 स्टाफ मेंबर्स की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये सभी 11 लोग संयुक्त राष्ट्र की 5 अलग अलग एजेंसियों और यमन के भीतर संयुक्त राष्ट्र के राजदूत के लिए काम करते हैं। इसके अलावा हूती ने अमेरिका द्वारा फंडेड प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट के 3 लोगों को भी हिरासत में लिया है। इनके साथ ही स्थानीय ह्यूमन राइट समूह के 3 कर्मचारियों को भी हूती ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अमेरिका ने यमन की राजधानी सना में साल 2014 में ही अपने दूतावास के कामकाज को बंद कर दिया था और पिछले 3 साल से हूती ने दूतावास के 20 यमनी कर्मचारियों को हिरासत में रखा हुआ है।